हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सब लोग। तो टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, चेस्ट बम इसलिए क्योंकि वी ऑल आर बिग फैन ऑफ सी बम, है कि नहीं। तो इसलिए सी बम की चेस्ट का आई एम अ बिग फैन। तो मेरा थंबनेल बनाने का सिर्फ यही मतलब था कि आई एम डूइंग एग्जैक्टली बट ट्राइंग हिज रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि जो उनकी रेंज ऑफ मोशन है चेस्ट लगाने की, मैं वो लगा रहा हूँ। सो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्लाइज से, विच इज़ केबल फ्लाइज। मुझे वार्म अप करना अच्छा लगता है पहले मेरे पेक्स को, अदरवाइज़ क्या होता है मेरी रेंज ऑफ मोशन सफ़र करती है और मेरी स्ट्रेंथ भी सफ़र करती है अगर मैं सीधे ही प्रेसिंग मोमेंट पे आ जाता हूँ। तो मैंने इसके 4 सेट्स करें और फिर मैं उसके बाद अपना वार्म अप सेट्स पे आया प्रेसिंग मोमेंट के। इसके भी मैंने 4 से 5 सेट करे। समटाइम्स मैं मशीन चेस्ट प्रेस करता हूँ, समटाइम मैं फ्लैट, समटाइम्स इंक्लाइन। और मैंने फ्लैट बेंच प्रेस के 4 सेट्स करे हैं यहाँ पे और 8 to 10 रेप्स के बीच में। और ये मैं यहाँ पे थोड़े से अपने कॉर्ड्स चेक करता हुआ, आई होप यू गाइस लाइक इट। और फिर से मैं कॉर्ड्स चेक करता हुआ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप शॉर्ट्स पहनते हो आपको होता है कि बार बार लेग्स को बार बार मिरर में देखो, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो ये है मेरा वर्किंग सेट, 120 या 130 किलो के साथ ही मैं लगाता हूँ। लास्ट वीक मैंने 140 के 2 रेप्स लगाए थे सेल्फ, बट आज मेरा वो गोल नहीं था। मेरा आज गोल था रेप्स, एटलीस्ट 8 रेप्स और क्लीन 8 रेप्स, जिसमें मैं जर्क ना करूं। और मुझे स्पॉटर की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर 5th or 6th रेप। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट जो स्टार्टिंग के रेप्स हैं ना वहाँ खुद लगाऊं। अगर आप स्टार्टिंग से ही हेल्प ले रहे हो दैट इज़ नॉट राइट, मतलब सही नहीं है, तरीके सही नहीं है वो, राइट। और अब है प्रेसिंग मोमेंट की टर्न, अब मेरे काफ चेक करो यहाँ पे, अच्छे लग रहे हैं ना, थैंक्स। तो देखो मैंने यहाँ पे एल्बो रैप्स पहने हैं। एल्बो रैप्स से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है क्योंकि मेरे इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई हैं, मतलब इंजरीज ऐसे नहीं हुई हैं, मतलब डेंगू होने के बाद मेरे ज़्यादा जॉइंट पेन्स हुई हैं, इंजरीज तो नहीं कहूँगा मैं। और मैं इसलिए प्रीटी मच हर एक्सरसाइज में एक वार्म अप सेट तो ज़रूर लगाता हूँ हैवी सेट लगाने के पहले। और ये है 40 केजीज। मैं आपको ये बोलूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि मैं देखता हूँ लड़के क्या करते हैं जिम में, प्लीज़ डोंट माइंड गाइस। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक्चुअली में कोई बताने वाला नहीं है वहाँ पे, तो मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा गाइडेंस दे रहा हूँ। यहाँ पे कोशिश करो कि अपने जो डंबल्स हैं ना वो आपके आउटर चेस्ट को टच करें, जो आउटर पैक होता है ना हमारा, ये देखो ये 40 केजीज हैं और मैं फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, टचिंग माय पैक्स। ये बहुत लाइट लगता है मेरे को और इसलिए मैं फटाफट लगा रहा हूँ इसको। इसके मैंने 2 सेट्स करे थे, 2 से 3 सेट। और ये है 50 केजीज। और 50 केजीज के भी अगर आप देखोगे ना, 50 केजीज ईच, ये हमारा वैसे बहुत हैवी डंबल है, आई वुड से इट्स अ हैवीस्ट, मतलब पता नहीं क्यों इतना हैवी लगता है, 50 है लेकिन फिर भी बहुत निग्गर डंबल है, एकदम सॉलिड। ये देखो आई एम टचिंग माई चेस्ट। और सीबम को आप जब भी देखना वो चेस्ट को टच करके ही लगाते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन में, और आप लड़के उनको देख के भी समझते नहीं हो कि फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेनिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा और मसल्स भी एक्टिवेट करते हो जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेनिंग करते हो। सो ऑलवेज 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 अपनी ईगो को साइड में रख के फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेनिंग करो, फुल रेंज ऑफ मोशन में, ठीक है। और मैं फिर से क्वाड चेक करता हुआ, थैंक यू गाइस। ज़्यादा ऑब्सेशन भी अच्छा नहीं होता है ना। एनीवेज अब है बारी इंक्लाइन डंबल फ्लाइज की। इसके मैंने करे हैं 4 सेट्स, सॉरी फॉर दैट। और बहुत ही स्लो पेस पे मैं इसको लगाता हुआ, बिग स्ट्रेच और मैं चेस्ट, अगर आप देखोगे मैंने एक आर्क मेंटेन करी हुई है अपने पैक्स की, ध्यान से देखोगे। अगर मैं चेस्ट केज कर लूँगा तो वो मेरे शोल्डर्स पे आ जाएगा, दैट इज़ द लास्ट थिंग यू वांट। आपको चेस्ट को आउट करके रखना है, आप नहीं तो योगा फॉर्म रख सकते हो अपने बैक के पीछे। आई यूजली डू दैट, मैंने एक वीडियो बनाई थी 4 सेट्स ऑफ फ्लाइज
सॉरी गाइस। तो अब है टर्न डिप्स की। आज मैंने वेटेड डिप्स नहीं करे हैं, उसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। वैसे तो मैं वेटेड डिप्स करता हूँ हमेशा, बट आज मेरे शोल्डर में थोड़ी इन्फ्रिजमेंट है। मे बी मैं सोया गलत हूँ या क्या रीज़न है, कुछ तो है, और जिसकी वजह से मेरी आज स्ट्रेंथ भी कम है और मेरे पेन भी है। और मैं कभी भी, मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे कुछ पेन हो, इन्फ्रिजमेंट हो, मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता हूँ। आई जस्ट गो विद द फ्लो, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, आई ट्रेन फॉर माई सेल्फ। 4 सेट्स ऑफ डिप्स एंड देन मैंने करे हैं यहाँ पे 120 पुशअप्स, 40 रेप्स ऑफ ईच सेट। ट्रस्ट मी गाइज, सॉरी 160 पुशअप्स, नॉट 120, सॉरी फॉर माई मैथ्स। और आई होप आपको मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चेस्ट बम वाला, चेस्ट बम हम फेमस कर देंगे इसको, चेस्ट बम डे, वी कैन से दैट, राइट। 40 रेप्स, इसको मैं कूल डाउन बोलूँगा, बट इट्स नॉट अ कूल डाउन, ये और ज़्यादा ब्लड लेके आएगा मेरे पैक्स में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आई हैड अ ग्रेट पम्प, और इसके पहले हाँ मैंने काव्स भी लगाए थे, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। सो चेस्ट एंड काव्स इज़ माई डे, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए चेस्ट का वीडियो बनाया था। थैंक सो मच।